हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसज इन्फ्लामेटरी बावल डिस सो ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर है ऑन दिस टॉपिक एंड टूडे वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिस सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मर नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एमप्रेस ऑन द बेल आइक ऑन एंड नीवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑग्स ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ़ द फार्मर ऑग्स ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन की जो फार्मर ऑग्स के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स होते हैं एंड हमारे जो पी पी टीस है पी डी एफ से रेपिड रिविजन नोट्स वगैरह आपको फार्मर ऑग्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएंगे सो so एंड्रॉयड के साथ अब एप्पल स्टोर के पे भी आपको ये एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी सो so अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले यू विल आल्सो फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो गेट दिस फैसिलिटी ऑन आवर ऐप फार्मारॉक्स डाउनलोड द एप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिस तो पार्ट वन लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि इन्फ्लामेट्री बाउल डिसीज़ की जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईबीडी तो आईबीडी जो है वो स्पेशली हमारा जो लोअर जीआई आई ट्रैक है उसके रिलेटेड ये डिसीज़ है कि स्पेशली हमारा जो लोअर जी आई ट्रैक के अंदर स्पेशली क्या कवर होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड हमारा रेक्टम का पोर्सन तो इतने पार्ट्स कवर होते हैं स्पेशली ए लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और जैसे यहाँ पे नाम ही है कि इन्फ्लामेट्री तो ये डिसीज़ में स्पेशली क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है तो ये आपको पॉइंट खास याद रखना है कि इसके अंदर स्पेशली क्या होता है इन्फ्लामेशन तो इन्फ्लामेशन भी कौन से पार्ट का होगा कि जो हमारा लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है कि जिसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कि जिसको हम कॉलन भी कहते हैं तो उसका स्पेशली होता है इनफ्लैमेशन सो so, जो स्टूडेंट डायरेक्टली पार्ट टू वीडियो को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट वन को भी स्टडी कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमने आईबीडी के जो दो मेन टाइप्स है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स disease. दोनों के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दी है डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ऑफ दिस बॉर्थ टू अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड इज द क्रोहन्स डिस एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको हम कहते हैं जी आई ट्रैक तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रेडिस हमें देखने को मिलता है वो क्या है एक टाइप का इन्फ्लेमेशन के स्पेशली लोअर जी आई ट्रैक को ये अफेक्ट करता है सो so, उसके जो हमने दो टाइप्स देखे थे कि फर्स्ट इज़ क्रोन्स डिसीज एंड सेकंड इज़ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड बॉथ आर कैरेक्टराइज बाय द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सो प्रलंग इन्फ्लामेशन रिजल्ट इन द डैमेज टू द जी आई ट्रैक एंड सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिज तो ये स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो हमारा कॉलन है या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्सन लार्ज इंटेस्टाइन तो वो सबसे पहले अफेक्ट होता है इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड जो दूसरा क्रोन्स डिसीज़ है उसके अंदर स्पेशली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वह सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं उसके जो अलग अलग पोर्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो अफेक्ट होते हैं और धीरे धीरे पूरा जी आई ट्रैक भी डैमेज होता है जो आप अच्छे से उसके ट्रीटमेंट नहीं करवाते पाते तो ये है इन्फ्लामेट्री बाउल डिस पार्ट वन वीडियो लेक्चर की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो वहाँ से आप पार्ट वन वीडियो लेक्चर देख सकते हैं सो पार्ट टू का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिगार्डिंग कोजिस को जानना और उसके रिलेटेड डिटेल पैथोफिजियोलॉजी कि कोजिज़ क्या है कि एग्जैक्ट कोजेज़ अभी तक किसी को पता नहीं चले बट आईबीडी जो है वो रीज़न है कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम की सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि समझो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जगह पे समझो कि होता है इन्फेक्शन कोई भी बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन होता है या फिर कोई फ़ॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते कि जिसको हम कहते हैं एंटीजन कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते तो उनको हम क्या कहते हैं एंटीजन तो जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर होते हैं तो उनके सामने प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये एंटीबॉडी एक ट से हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है और जो हमारी इम्यूनिटी कैसी है वो डिपेंड करते कि जो किसी पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये एंटीजन का काफ़ी फास्ट उनको किल कर देगी और इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा क्योर हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन विदाउट मेडिसिन ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि बिना कोई मेडिसिन को यूज़ किए डायरेक्टली पेशेंट जो है वो अपनी इम्यूनिटी से ही क्योर हो जाएगा बट समझो कि डिफेक्टिव है आपके इम्यून सिस्टम तो क्या होगा कि जब इस टाइप के आ, कोई माइक्रोआर्गनिज़्म या फिर वायरस बैक्टीरिया के सामने जो हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो नहीं होगा जिसके कारण डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो क्योर नहीं होगा इन्फेक्शन शुड नॉट बी क्योर ये खास नॉट वर्ड लिखना जरूरी है इन्फेक्शन शुड नॉट बी क्योर ड्यू टू द डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम की जब हमारे इम्यून सिस्टम में ही डिफेक्ट आ जाती है या फिर वो वीक हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम तो उस वक्त वो इम्यून सिस्टम हमारी अच्छे से काम नहीं कर सकती और जिसके कारण जो भी इन्फेक्सन है वो क्योर नहीं होगा और क्योर नहीं होगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा फिर वो इन्फेक्सन स्प्रेड होता जाएगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट तो सेम यही होता है हमारी डिसीज़ आई के अंदर कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के अंदर यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग जीनेटिक रीजंस के कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स म्यूकोजल, सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स का वीक हो जाना कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, तो सभी के कारण ये जितने भी कोज़ेज़ है उसके कारण ये आई होता है और ये कोजेज़ है तो उनके सामने जो रेमेडी होती है ट्रीटमेंट होती है कि ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको क्योर करने में लग जाता है बट वो ही डिफेक्टिव हो जाती है तो प्रॉपर क्योर नहीं होगा और जिसके कारण डिसज़ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो जानते हैं प्रॉपर पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज़ कि जिसको ईटियोपैथोजिनीसिस भी कहा जाता है बिकॉज ये कोजेस के साथ रिलेटेड है कि जो कोजिज़ में हमने देखा कि जीनेटिक फैक्टर्स कि uh, समझो कि ये जो पेरेंट्स है मदर मेल फीमेल ओके कि समझो कि मदर फादर के कारण डायरेक्टली चिल्ड्रन uh, के अंदर स्पेशली ये डिसीज़ हो सकती है देन जो जेनेटिक फैक्टर्स जो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन तक ये डिसीज़ जो है वो फैलेगा और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द डी एन ए कि जिसको हम कहते हैं जीनेटिक फैक्टर्स तो क्या होगा इसके अंदर कि जीनेटिक फैक्टर्स आर इम्प्लिकेटेड इन द इटियोपेथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इज़ सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग एविडेंसेस इन दैट देयर इज अबाउट थ्री टू ट्वेंटी टाइम्स हायर इंसिडेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब कि जो ये जो फादर है यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द मदर तो उनके जो चिल्ड्रन हो रहे हैं तो ये जो पेरेंट्स हो गए और पेरेंट्स से ये उनके जो चिल्ड्रन हो रहे हैं तो ये हो क्या होगा फ़र्स्ट डिग्री रिलेशन हो गया और उसके नीचे समझो कि ये जो उनका चिल्ड्रन है वो फिर आगे जाके पेरेंट्स बनता है तो उसके भी जो चिल्ड्रन होंगे तो वो उनके लिए आ, भी क्या हो जाएगा फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव समझो कि ये चिल्ड्रन भी आईबीडी का आईबीडी है उसको ओके मदर फादर को भी आईबीडी था तो उनका जो चिल्ड्रन था उसको भी आईबीडी होने के चांसेस है अब ये जो चाइल्ड है ओके okay, वो आगे जाके समझो कि पेरेंट्स बनता है तो उसके जो चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर भी चांसेस है बट वो क्या हो जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी हो जाएंगे तो ये जीनेटिक फैक्टर स्पेशली अफेक्ट करते हैं इन दिस इटियोपिथोजिनीसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज फिर क्या कि दिस इज़ ड्यू टू द जीनेटिक डिफेक्ट कोजिंग डिमिनिश एपिथेलियल बेरियर फंक्शन अब क्या होता है मेन रीज़न आप जान लो यहाँ पे कि जीनेटिक फैक्टर्स डीएनए के कारण क्या होता है कि जो पेरेंट्स से पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन तक ये डिसीज़ पहुंचती है बट क्या होता है कि दिस इज़ ड्यू टू द जीनेटिक डिफेक्ट कोजिंग द एपिथेलियल बेरियर फंक्शन कि जो हमारा म्यूकोज़ा होता है और म्यूक्यसा के अंदर हमें पता है कि एपिथेलियल सेल होते हैं और एपिथेलियल सेल म्यूकोस जो है वो सीक्रेट करते हैं वो एक टाइप के एपिथेलियल बेरियर बन जाता है और वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिब्यूलिस की जो भी एक्सटर्नल स्टिम्यूली होती है उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, को जो उसका इंटरनल लेयर्स होता है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है बट ये प्रोटेक्शन कब वीक हो जाता है कि जब एपिथेलियल बेरियर्स का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है चेंज हो जाता है ड्यू टू द जीनेटिक डिफेक्ट और धीरे धीरे उसकी जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता और वहाँ पर फिर डिसीज़ का इन्फेक्शन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा सो ओवरऑल देर इज़ अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट चांसेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आई बी डी क्रोन्स डिस इज अबाउट सिक्सटी परसेंट कॉन्करडन्स एंड अल्सरेटिव क्वालिटी इज अबाउट सिक्स परसेंट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये आप समझो कि ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ इन्फ्लामेटरी बाउल ये फिफ्टी परसेंट चांसेस की है क्योंकि समझो कि मदर को हंड्रेड परसेंट था आईबीडी और फादर को ज़ीरो बनना ही है तो उनके जो चिल्ड्रंस होंगे उसके अंदर फिफ्टी फिफ्टी चांसेस हो जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ दिस डिस तो सिक्सटी uh, परसेंट वो फिफ्टी पर फिफ्टी जो चांस है उसमें भी सिक्सटी परसेंट जितना चांसेस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का एंड फिफ्टी पर सिक्सटी परसेंट क्रोन्स डिसीज़ का एंड सिक्स परसेंट इज अबाउट द अल्सरेटिव कोलाइटिस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस फिर से समझिए अच्छे से कि समझो कि यहाँ पे ही लिख रहे हम ये मदर ये फादर मदर को समझो कि आईबीडी है तो उनके लिए लिख लेते हैं हम हंड्रेड परसेंट फादर को आईबीडी नहीं है तो हम लिख रहे हैं ज़ीरो परसेंट अब जो उनके उनका जो भी कोई चिल्ड्रन होता है उसके अंदर चांसेस रहेंगे फिफ्टी फिफ्टी कि चाहे वो इन्फेक्टेड हो भी सकता है इन फ्यूचर और नहीं भी हो सकता कि फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेट्री बाउल डिसज इन दिस चाइल्ड अब क्या होगा ये फिफ्टी परसेंट जो चांसेस है उसमें भी सिक्सटी परसेंट जो है वो चांसेस है कि उसको क्रॉन्स डिसीज़ हो सकती है और सिक्स परसेंट जितने चांसेस है कि उसको होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ये कंडीशन फॉर्म होती है कि जब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स डेवलप होते हैं तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म वैन वन जायोट क्रिएटेड विथ वन एग एंड वन स्पम स्प्लाइट इन टू टू की यहाँ पे दिखा हुआ है कि आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंग की यहाँ पे है ये स्पम दिस इज द एग तो क्या हुआ है यहाँ पे कि मोनोजाइडोटिक्स ऑफ वैन वन जायॉट वन जायॉट क्रिएटेड विथ वन एग एंड वन स्पम एक ही एग है एक ही स्पम है बट ये जो जायगोट तैयार हुआ बराबर यह जायगोट क्या हो रहा है स्प्लाइट हो रहा है इंटू टू तो ये देखो ये क्या हो गया है ये नंबर वन एंड दिस इज़ नंबर टू तो ये जो दो चिल्ड्रंस अलग अलग होते हैं उसके अंदर चांसेस है फिफ्टी फिफ्टी बराबर जो भी चिल्ड्रंस हो रहे हैं उनके अंदर 50-50 चांसेस होते हैं टू डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्लामेट्री बाउल डिसेस आगे ये है जीनेटिक फैक्टर सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है इम्यूनोलॉजिक फैक्टर कि इम्यूनिटी वीक होने के कारण भी ये डिसीज़ जो है वो फॉर्म होती है तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे इम्यूनिटी के लिए स्पेशली इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स डेवलप होते हैं पार्ट्स होते हैं कि जो इम्यून सेल्स को डेवलप करते हैं तो डिफेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल रेगुलेशन इन इन्फ्लामेट्री बाउल डिसीज़ हैज सोन टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पैथोजीनिस ऑफ आई बी डी डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन तो ये यह यहाँ पे लिखा है एकदम कि डिफेक्टिव रेगुलेशन कि जब ये लिम्फ नोड से, अपेंडिक्स है बोन मैरो है पियर्स पैच है स्प्लिन है थाइमस है टॉन्सिलेन एडिनोइड्स है, है वगैरह क्या करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए आ, अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है कि समझो कि जो भी पार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके रिलेटेड जो इम्यून सेल्स होते हैं स्पेशली जो हमारे इम्यून सेल्स तो इम्यून सेल्स को डेवलप करने का काम ये अलग अलग जो ग्लैंड है वो करती है जब ये हमारा इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है वीक हो जाता है तो ये सब अलग अलग उसके जो ऑर्गन से, ग्लैंड से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती जिसके कारण पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है वीक हो जाती है और वीक uh, इम्यूनिटी के कारण फिर फर्दर जो भी इन्फेक्शन है वो अच्छे से क्योर नहीं होता सो इट्स इज दैट कि इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल देर इज़ अ लैक ऑफ़ इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस टू डाइटरी कि लेक ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस कि जो अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स देना चाहिए कि कोई भी स्टिम्यूली कोई भी स्टीम मिलेगी जिसको हम कह सकते हैं कि समझो कि कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसके सामने प्रॉपर एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म होना जरूरी है बट जब ये इम्यून सिस्टम ही डिफेक्टिव हो जाती है उसका रेगुलेशन ही डिफेक्टिव हो जाता है तो इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट ही नहीं होते और फर्दर डिसीज़ जो है वो डेवलप होती है और उसका स्प्रेडिंग धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो अब जानते हैं डिटेल में रिगार्डिंग द पियर्स पैचिस तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के अंदर क्या होता है चेंजेस होता है इन दिस पियर्स पैचिस तो ये प्रेजेंट क्या कहाँ पे होते हैं तो पियर्स पैचिस आर ए स्मॉल मासिस ऑफ ए लिम्फेटिक टिश्यू फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजियन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ओके okay, तो यहाँ पे ये यह जो दिखा रहा है ये जो पोर्सन कि ये जो पूरा इस तरह के जो पैचेस आप देख रहे हैं उसको हम कहते हैं पियर्स पैचेस तो पियर्स पैचेस आर ए स्मॉल मासिस ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा तो उसका समझो कि ये इस तरह से आप टी लेते हो तो आपको देखने को मिलेंगे ये पियर्स पैचेस तो स्मॉल मासिज ऑफ़ लिम्पेटिक टिश्यू फाउंड थ्रू आउट द इलियम रिजियन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या होता है वो आप खास जानिए कि ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेटेड लिम्फे लिम्फॉयड नोड्यूल्स दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय मॉनिटरिंग द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पॉपुलेशन कि इंटेस्टाइन में समझो कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं ये कंट्रोल करते हैं प्लस उसके ऊपर उनका क्या होता है प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है तो ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है कि वो क्या कोर्स कर सकते हैं डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया कि ऐसे बैक्टीरिया की जो क्या कोर्स कर सकते हैं डिसीज तो ये जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम जेनिक बैक्टीरिया कहते हैं उनको क्या करते हैं प्रीवेंट करते हैं उनकी ग्रोथ इन इंटेस्टाइन तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है ये पियर पैचिस का इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन सो अब क्या होता है कि जब ये पियर पैचिस के अंदर चेंजेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण ये जो पियर पैचेस है उनके अंदर ही चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण वो क्या करता है कि उनका जो मेन इम्यून सिस्टम मॉनिटरिंग का काम है इम्यून सिस्टम मॉनिटरिंग बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पॉपुलेशन तो उसका ये जो फंक्शन है वो ही क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा सो पियर स्पैच फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कैप्चर इट कैप्चर द बैक्टीरिया एंड अदर हार्मुल माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय देम एंड प्रिवेंट अस फ्राम द डिस इनथर्स इम्य सेल्स हेल्प्स इट चेंज एंड डैमेज ऑफ पीयर स्पैच कोज द डिस आई बी डी तो ये है मेन उसका पैथोजिनेसिस ये आपके लिए है मोस्ट आई एम पी पॉइंट कि यही पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि चेंज एंड डैमेज इन अ पीयर स्पैच कोज द डिसज़ आई बी डी कि यहाँ पर ये जो डायग्राम में हम अंदर हम देख सकते हैं कि पीयर्स पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने प्रीवियस में भी देखा टी एस के अंदर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वहाँ पे ये प्रेजेंट है प्लस वो क्या करते हैं कैप्चर द बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय दैम एम अस फ्रॉम डिसेस के डिसेस से हमें बचाते हैं थस इम्यून सेल्फ हेल्प इट के जिसके अंदर ये जो टी सेल बी सेल एम सेल वग़ैरह जो इम्यून सेल्स से उसके अंदर हमें क्या करते हैं हेल्प करते हैं और ये है पीयर्स पैच तो उसका मेन फंक्शन है कि इस तरह से कोई भी एंटीजन यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा बट चेंज एंज डैमेज ऑफ पियर्स पैच कोज द डिसज़ आई बी डी जब समझो कि ये हमारा हमें प्रोटेक्ट करने वाला पियर्स स्पैच ही समझो कि डैमेज हो गया है इन्फेक्शन के कारण तो क्या होगा फर्दर आईबीडी जो है वो वहाँ पे फॉर्म होगा और जो अलग अलग फैक्टर से कि जेनेटिक फैक्टर से एनवायरमेंटल फैक्टर है वो अलग अलग जो कोजिस के कारण पीयर स्पेच जो है वो डैमेज दे, दे, हो सकते हैं और वो डैमेज होने के कारण इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और इम्यून सिस्टम वीक होगी तो फर्दर डिसीज जो है वो डेवलप हो सकती है सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ तो कॉमन टू बॉथ क्रोन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड द डायरिया आफ्टर दैट फीवर एंड फॉटिक कि डायरिया खास पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर बिकॉज स्पेशली लोअर हमारा जी आई है उसके रिलेटेड है इसके लिए स्पेशली uh, डायरिया उसके मेन साइन एंड सिम्टम्स है फीवर एंड ऑल्सो द फटिक उसके बाद एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग नेक्स्ट इज़ ब्लड इन योर स्टूल स्टूल के अंदर ब्लड आना जायज है बिकॉज ये जो म्यूकस लेयर होता है हमारा म्यूकस लेयर ऑफ स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन वो ही अंदर से डैमेज होता है कि जिसके कारण जब स्टूल वहाँ से पास होता है तो ब्लड के साथ वो जो है वो आगे बढ़ता है रिड्यूस द एपिटाइट भूख कम लगती है पेशेंट को और लास्ट में अनइंटेंटेड वेट लॉस कि जब भूख कम लगेगी तो वेट लॉस होगा साथ में डायरिया होगा फीवर एंड फटीक रहेगी वेट लॉस होगा तो फटिक होना जायज़ है भूख भी कम लगेगी पेशेंट को एंड एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग तो ये है बहुत सारे उसके कि डायरिया के अंदर ब्लड एंड म्यूकस भी आ सकता है यहाँ पे दिखा है डायग्राम के अंदर वेट लॉस आर्थराइटिस हो सकती है पेशेंट को जब लॉन्ग टाइम तक उसके ट्रीटमेंट ना करो एब्डोमिनल पेन एनीमिया पाया जाएगा एपोथस अल्सर्स कि आपके माउथ के अंदर भी फिर अल्सर उसके कारण देखे जाएंगे प्राइमरी स, आ, स्क्लेरोसिंग कॉलेंगजाइटिस राइट आईलेक्ग फोसा मास पेन एंड स्किन रेसिस इरिथेमा नोडोसम वगैरह उसके अलग अलग सिम्टम्स आपके बॉडी के ऊपर देखे जाएंगे तो ये है साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज आई आगे सीखते हैं उसके बारे में अब डायग्नोसिस कैसे किया जाता है तो गैस्ट्रो एंटेरोजिस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिकमेंडेड ए कॉलोनोस्कोपी टू डायग्नोस क्रोन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस कि कोलोनोस्कॉपी कि स्पेशली ये जो कोलोन का जो हमारा पोर्शन है रेक्टम के थ्रू ये कोलोनोस्कोप जो होता है उसको एंटर किया जाता है विथ कैमरा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉलोन का ये जो पोर्शन है डिसेंडिंग कॉलोन है यहाँ पे यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलोन का पोर्शन आए और ये है एनस कि एनस के थ्रू स्पेशली कॉलोनोस्कोपी की जाती है एंड ये ऑलवेज जो गैस्ट्रो भी यही रिकमेंड करते हैं फॉर द डायग्नोसिस क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं स्पेशली इमेजेस एंड आल्सो द वीडियो कि जिसके कारण प्रॉपर कौन से पार्ट पे उसका एग्जैक्ट लोकेसन uh, जानने के अंदर हमें ये हेल्प करता है सो इन दिस टेस्ट प्रोवाइड द लाइव वीडियो इमेजेस ऑफ द कॉलॉन एंड रैक्टम एंड इनेबल्स द डॉक्टर्स टू एग्जाम द इंटेस्ट लाइनिंग फॉर इन्फ्लामेशन अल्सर एंड अदर साइन ऑफ द आई कि ये जो लाइनिंग है इंटेस्टाइनल वहाँ पे कौन सी जगह पे इन्फ्लामेशन है या फिर अल्सर है या फिर उसके जो अदर साइन एंड सिम्टम्स है उसको क्लियर देखने के लिए ज़रूरी है ये वीडियो इमेजेस और वो प्रोवाइड करता है ये कोलोनोस्कोपी के उसके साथ जो है वो कैमरा होता है और ये जो कैमरा है वो डायरेक्टली uh, हमें कंप्यूटर के स्क्रीन ऊपर उसके इमेजेस देगा और जिससे प्रॉपर जो है वो एग्जामिनेशन हो सकता है ऑफ दिस आईबीडी बी तो इस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है आफ्टर दैट अदर डायग्नोसिस टूल्स इंक्लूड्स द बायोप्सी की जाती है पेशेंट की स्टूल एग्जामिनेशन भी किया जाता है ब्लड एग्जामिनेशन एंड सी स्कैन समझो कि कोई पेशेंट कोलोनोस्कोपी से कंफर्टेबल नहीं है ओके इफ सम पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विथ कोलोनोस्कोपिक देन अदर डायग्नोसिस टूल्स विच आर बायोप्सी, स्टूल एग्जामिनेशन ब्लड एग्जामिनेशन एंड सी स्कैन करके भी आप पता लगा सकते हैं अब जानते हैं उसके ट्रीटमेंट कि नाम ही है इन्फ्लामेट्री बाउल डिस तो इसके अंदर मेनली क्या होता है इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन के सामने मेडिसिन होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स तो एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स को यूज़ करके आप पेशेंट की अच्छे से कर सकते हैं ट्रीटमेंट तो ये तो हमने जान लिया कि एंटी इन्फ्लामेट्री मेडिसिन जब आप हम देंगे तो पेशेंट की ये ट्रीटमेंट हो सकती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़ तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे उसके अंदर तो एंटी इन्फ्लामेटरीज इंक्लूड द कॉर्टिकोस्टेराइड्स सच सचेज मेसेलामाइन, बालसालेजाइड एंड ऑल ओल्साजाइन तो जानते हैं आप डिटेल में ये सभी मेडिसिन के बारे में शुरुआत करते हैं हम बेल्साजाइड uh, से या फिर एमिनोसेलिसाइड्स क्लास की ये जो ड्रग्स है कि सल्फा सेलेज ओल्साजिन बालसा लेजाइड एंड मैसला मैसेलामाइन तो ये जो चार मेडिसिन आपको याद रखनी है फ्रॉम द एमिनोसेलिसाइलेट क्लास की जो यूज़ होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्रामेटरी बाउल डिसीज के आईबीडी के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है तो ये सब मेडिसिनस उनके नाम याद रख सकते हैं आप उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ सल्फा 500 फाइव हंड्रेड एम जी की स्ट्रेंथ है बालसालेजाइड जिसकी सेवन फिफ्टी एम जी की स्ट्रेंथ के अंदर ये मेडिसिन अवेलेबल है और यहाँ पे ख़ास लिखा है कि कीप आउट फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन आर एक्स मतलब कि ये मेडिसिन कैसी है प्रिस्क्रिप्सन विदाउट प्रिस्क्रिप्सन और मेडिकल सुपरविज़न आप ये मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के जिसके अंदर प्रेडनीसोन uh, पेडनीसोलॉन यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम के अंदर भी हाइड्रोकॉर्टिसोन बुडेसोनाइड एंड एजाथायोप्रिन एंड सिक्स एम ये जो मेडिसिन है वो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट आईबीडी की जो क्लास है उनका ग्लूकोकोटिकोइ्स क्लास की ये ड्रग्स है कुछ इन्फ्लामेशन रूट से दी जाती है कोई टैबलेट्स है उनकी यहाँ पे आप ट्रेंस देख स्ट्रेंथ देख सकते हो और ये भी आर एक्स मतलब कि प्रिस्क्रिप्सन ड्रग है कि विदाउट द मेडिकल प्रिस्क्रिप्सन ये मेडिसिन आप यूज़ नहीं कर सकते आई बी डी के अंदर मिथोट्रिक्जेट uh, भी यूज़ की जाती है इट इज़ यूज फॉर द इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेमिशन ऑफ क्रोन्स डिसीज बट नॉट अल्सरेटिव कोलाइटिस तो मिथोथ्रिगज इंजेक्शन इंट्रावेनसली दिया जाते हैं पेशेंट को टू ट्रीट आईबीडी नेक्स्ट इज एन टी टी एन एफ आल्फाथेरापी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज ए सेल सिग्नलिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन ए सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन एंड इज़ वन ऑफ द साइटोकाइंस दैट मेक अप द एक्यूट फेज रिएक्शन लाइक इन्फ्लेक्मेब एडालिमोमेब सर्टेलिजोमेब आर यूजफुल इन क्रोन्स डिशीज तो ये आपको याद रखने के क्रोन्स डिज के अंदर कौन से टी एन एफ आल्फाथेरापी के अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हम ये क्लास आपको अच्छे से याद रखने हैं और यह है टी एन एफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटी टी टी एन एफ आल्फाथेरापी की टी एन एफ क्या है कि सेल सिग्नलिंग प्रोटीन इन्वॉल सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन एंड वन ऑफ द साइटोकंस देट मेक अप द एक्यूट फेज रिएक्शन कि जो इन्फ्लामेशन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टी एन एफ उसको ही क्या कर देना है ब्लॉक एंटी टी टी एन एफ तो इनफ्लैब अडालीमेब एंड सरटोलिज मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके बाद एंटीटिन एफ आल्फा थेरापी के अंदर एफिकेसी ऑफ देम इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ डाउटफुल इज गिवन बाय आईवी रूट वेयर अदर टू आर एडमिनिस्टर्ड सब क्यूटेनियस तो ये ख़ास याद रखना है कि इन्फ्लिक्स को आईवी रूट से जो है वो दी जाती है और दूसरी जो मेडिसिन दो देखी वो सब क्यूटेनियस रूट से पेशेंट को दी जाती है सर्टोली इज़ ए पैगाइलेटेड एंटी टी एन एफ अल्फा इंडिकेटेड फॉर क्रोन्स डिसीज तो पैगाइलेटेड टेक्निक से कौन सी डेवलप की गई है तो सर्टोली जुमेब और उसको सब क्यूटेनियस दिया जाएगा जबकि इन्फ्लिक अब जो है वो इंट्रामसली रूट से दी जाएगी पेशेंट को एंटी इंटीग्रीन थेरापिक जिसके अंदर नाटाली इज़ फॉर द मॉडरेट टू सीवियर क्रोन्स डिसीज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अधर थेरापीज कि जो आगे हमने जो भी मेडिसिन देखी उसको जो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो नाटालीजुमैब आपके पास ऑप्शन रहता है फॉर मॉडरेट टू सीवियर क्रोन्स डिसीज़ पेशेंट की जिसको एंटी एंटीग्रेन थेरापी के तौर पर दी जाती है इट इज़ टारगेटेड अगेंस्ट ए फॉर सब यूनिट ऑफ इंटीग्रेन्स तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि इट इज़ टारगेटेड अगेंस्ट द ए फॉर सब यूनिट ऑफ इंटीग्रिंस और ये मेडिसिन याद रखनी है नेटाली जूम सो दिस इज रिगार्डिंग द आई बी डी ट्रीटमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मस्ट लाइक वीडियो को जरूर लाइक करिए ऑल्सो शेयर इन द वेरियस ग्रुप्स कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर आप ये वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फार्मर नॉलेज के साथ अपडेटेड रहिए फॉर देट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आईकॉन ऑल्सो यूज़ दार्मर ऑक्स एंड्रॉड ऐप ऑन गूगल प्ले So good luck and all the best.